नमस्ते, मेरा नाम लुइस सेबेस्टियन कास्ट्रो है, मेरी फिल्म एक्सप्रेशन है और मैं अभिवादन करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय बाल और युवा फिल्म महोत्सव 2024। मैं चुने जाने के लिए धन्यवाद देता हूँ और मेरे लिए ये एक सम्मान है। सच में मैं चाहता हूँ कि यह संदेश पहुँचे। मुझे फिल्म का विचार इसलिए आया क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया भर के बच्चों को एक संदेश भेजना चाहिए कि कला आपके अंदर की चीज़ों को व्यक्त करने का एक माध्यम है, चाहे आप किसी भी धर्म से हों और वे आध्यात्मिकता से जुड़े और इस कला को प्रकट करके दुनिया के आदर्शों की बेड़ियों से बाहर निकलें। परिवारों की, उन लोगों की जो तिरस्कार करते हैं, उन्हें जानना चाहिए कि एक रास्ता है। मेरे पास ये करने के लिए जो बाधाएं थीं, एक फिल्म मेरे काम की खास बात ये थी कि मैंने इसे बिना पैसे बिना बजट के किया और इसीलिए मैं फिल्म निर्माताओं को संदेश भेजता हूँ। कोई बाधाएं नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, बस अधिक समय लगता है। मुझे प्रोडक्शन और वेशभूषा करनी थी, तीन या होटल बाजी, कास्टिंग खोजें और करें, और ये करीब 1 साल की प्रक्रिया थी जिसे मैंने खुद किया। साउंड मैंने खुद किया, कैमरा मैंने खुद संभाला, फोटोग्राफी देखो, भी। मैंने यह अकेले ही किया। क्यों? वही तो, भुगतान करना था और मेरे पास इसे करने के लिए पैसे नहीं थे, तो कुछ ने मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा। मैंने फिल्म को इस तरह से नहीं सोचा था, इसे बड़ा, व्यापक, बेहतर शॉट्स के साथ सोचा था, बेहतरीन कैमरा मूवमेंट्स, ताकि इसमें एक सुंदर सिनेमाई भाषा हो। लेकिन ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर सका और ये रह जो कुछ गया। भी किया जा फिर सका मैं मिलेंगे। इसे 3 खंडों में विभाजित करता हूँ। 1950 के दशक को सफ़ेद और काले में, 1970 के दशक को मजेंटा में और 1990 के दशक को रंग, और उन्हें बहुत मजबूत पाया। फिल्म का लक्षित दर्शक वे युवा लोग हैं, बच्चे हैं और वयस्क भी, माता पिता, ताकि वे जान सकें कि बच्चों को आज़ादी से उड़ने देना चाहिए कला के संबंध में, क्योंकि कला वह है जो दुनिया में बनी रहती है। अगर आप मानवता के इतिहास में देखें, हमें वही चिन्ह मिलते हैं तकनीकी उपलब्धियों के संदर्भ में जो कलात्मक उपलब्धियों को संजोए हुए हैं, और वो सबसे मूल्यवान हैं। फिल्म के प्रमोशन के प्लान विभिन्न फेस्टिवल्स में हैं। मैंने कनाडा में जीत हासिल की है, भारत में प्रशंसा मिली और इस साल के बाद भी नामांकन के लिए जारी है। इस साल के बाद मैं खुले विचारों के साथ हूँ। इस पटकथा को फिल्म, एक फुल लेंथ फिल्म या किसी टेलीनोवेला या कुछ ऐसा बनाने के लिए खरीदा गया है, क्योंकि मेरे पास इसे बड़ा बनाने के लिए साधन नहीं है। इसे और अधिक विकसित किया जा सकता है। मिसिंग में मेरी वेबसाइट है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, expressionmovie.com, वहाँ सभी जानकारी है। फिल्म पुरस्कार और सब कुछ से हो गया, इसलिए मैं एक विशेष संदेश देता हूँ 2024 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय बच्चों और युवा फिल्म फेस्टिवल के लिए। इस महान सम्मान के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिए ये एक सम्मान है और इस परियोजना में काम करने वाले सभी लोगों से ये सुनिश्चित करने के लिए कि यह सफलतापूर्वक पहुँचे और पुरस्कार जीते, ताकि देखने वाले लोगों को और अधिक प्रेरित किया जा सके। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।